हर डेथ कैंप में एक शैतान होता है। सोबीमोर में उसका नाम था गुस्ताव वाग्नर। कत्ल करने में माहिर, कद काठी से बेहद ताकतवर, क्रूर और बहुत बुद्धिमान। कोई आदमी अगर अपने लोगों के लिए राष्ट्रवादी है तो क्या वो नाजी होता है? पीने वाले को जिस तरह शराब चाहिए उसे खून चाहिए था। वाग्नर को कोई भूल नहीं सकता। आज साओ पाउलो में उसके एक पीड़ित ने उसे पहचान लिया। क्या सचमुच तुम में हिम्मत नहीं है? इंसान बनो, सच बताओ। चलो मुखास था, अपनी तरह का अनूठा। उसने तो सोबीबोर छोड़ा, लेकिन सोबीबोर ने उसे नहीं छोड़ा। वो एक सर्वाइवर है। मुझे नहीं लगता कि स्टानिस्लाव कोई आम इंसान है। मेरे ख्याल से उसके कई व्यक्तित्व हैं। वो अपने आसपास एक रहस्य बुन रहा था और उसे ये पसंद था। अरे, उस वक्त बहुत सी बातें होती थी कि गुस्ताव वाग्नर को किसने मारा। राइफल लो, कारतूस लो, जाओ यहूदियों का सामना करो, वो आ रहे हैं। वाग्नर के साथ हिसाब बराबर करने के लिए स्टानिस्लाव के पास पर्याप्त कारण थे। मैं फिर से कहता हूँ, स्टानिस्लाव एक मक्खी भी नहीं मार सकता था। अगर मुझसे पूछे कि उन्होंने वाग्नर को मारा या नहीं, यकीनन मारा। जो दशकों बाद फिर से मिले, इस मुलाकात को मैं बार बार जाकर देखता हूं। मैं हूं अंटोनियस कैंपमान। सालों से इन दोनों लोगों की कहानी ने मुझे उलझा रखा है। एक है नाजी गुस्ताव वाग्नर, वो आदमी जिसे सोबीबोर का शैतान कहा जाता था। दूसरा है एक यहूदी और होलोकॉस्ट सर्वाइवर स्टानिस्लाव शमाइजनर या श्लोमो। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर मुझे ऐसा आदमी मिल जाए जिसने मेरे परिवार का कत्ल किया है तो मैं क्या करूंगा, और ये भी कि न्याय व्यवस्था को ठीक रखने वाले अगर अपना काम ढंग से नहीं कर पाते तो क्या होता है। ब्राजील 1978। साओ पाउलो के एक पुलिस स्टेशन में स्टानिस्लाव श्माइजनर और गुस्ताव वाग्नर लगभग 30 साल बाद फिर से मिले। दुनिया भर के पत्रकारों ने इस मुलाकात पर रिपोर्टिंग की। गुस्ताव फ्रांस वाग्नर एक पुराना एसएस अधिकारी था और दूसरे विश्व युद्ध में नाजी यातना शिविर सोबीबोर का पूर्व डिप्टी कमांडर। उसने खुद को ब्राजीली पुलिस के हवाले कर दिया था। यह गुस्ताव फ्रांस वाग्नर, आज साओ पाउलो में उसके एक पीड़ित ने उसे पहचान लिया। वो ये तो मानता है कि वो सोबीबोर में था, लेकिन किसी के कत्ल से इनकार करता है। स्टानिस्लाव श्लोमो श्माइजनर, सोबीबोर का सर्वाइवर। वहां लगभग 2,50,000 लोगों की हत्या कर दी गई। छत्तीस साल बाद वो एक दूसरे से फिर मिले, ये एक नाटकीय मुलाकात थी। मिस्टर स्टानिस्लाव, वो आदमी जो आ रहा है, क्या आप उसे यातना शिविर के कमांडर के रूप में पहचानते हैं? वो गुस्ताव वाग्नर है, स्टाफ सार्जेंट, द बॉस। पक्का? एकदम पक्का।
क्या तुम्हें पता है कि मेरे लिए इसके क्या मायने हैं? क्या तुमने कभी इस पर सोचा भी है? क्या सचमुच तुम में ये स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है कि तुमने क्या किया? इंसान बनो, सच बताओ। 36 साल बाद भी कम से कम एक मर्द की तरह गलती कबूल करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सच बताओ। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसकी जड़ें किसी दूसरे वक्त और दूसरी जगह में हैं। दशकों पहले एक अलग महाद्वीप पर सोबीबोर को बहुत शांत और अलग थलग रखा गया था। ये किसी सुदूर जंगल में कहीं था। सोबीबोर कोई शहर नहीं था, ये लगभग 20 मकानों वाला एक गांव था। रिचर्ड राजकी एक अमेरिकी पत्रकार और लेखक हैं। 1970 के दशक में उन्हें सोबीबोर से जीवित बचे लोगों की खबरें मिली। उन जीवित बचे लोगों में से एक स्तानिस्लाउस माइज़नर था, जिसे श्लोमो के नाम से जाना जाता था। राजकी ने ब्राजील में उससे मुलाकात की। मैंने श्लोमो से एक सवाल किया, सोबीबोर ने आप में क्या बदला? और उसने कहा, सोबीबोर के बाद से मैं हंसा नहीं हूँ, मैं रोया नहीं हूँ, मैंने प्रार्थना नहीं की। उसने कहा, मुझे केवल नफरत और गुस्सा महसूस होता है और अब भी बदले की प्यास है। यहीं पर कभी सोबीबोर यातना शिविर होता था। यहां 250,000 यहूदियों का कत्ल कर दिया गया था। शिविर में 300 से भी कम कैदी बच पाए। आज तक शिविर की केवल कुछ तस्वीरें ही मिलती हैं और इसकी कोई फिल्म रिकॉर्डिंग नहीं है। यहीं इस रैंप पर श्लोमो और वाग्नर पहली बार मिले थे। श्लोमो मई 1942 में अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ यहाँ पहुंचा और यहीं पर उतरा। वाग्नर की जिम्मेदारी थी कि यहाँ आने वाले सभी लोगों में से चुने कि कौन से यहूदी काम करेंगे। श्लोमो ने वाग्नर से जाकर कहा, मैं एक सुनार हूँ। वाग्नर को तुरंत एहसास हुआ कि ये काम का हो सकता है और उसने उसे भीड़ से चुन लिया। श्लोमो के पूरे परिवार को जंगल के पीछे के इलाके में ले जाकर गैस से मार दिया गया, लेकिन श्लोमो को अभी तक ये नहीं पता था। पत्थरों से भरा एक मैदान, एक समय यहाँ राख का ढेर था, मारे गए यहूदियों की राख। नाजी मौत के अपने तांडव के सभी निशान मिटा देना चाहते थे। पीड़ितों का कुछ भी नहीं बचना चाहिए था। गुस्ताव फ्रांस वाग्नर सोबीबोर के खास लोगों में से एक था। वाग्नर को कोई भूल नहीं सकता था। मेरा मतलब, मैंने 30-40 सालों बाद जिसका भी इंटरव्यू किया, मैं बस वाग्नर कहता और वो बातें करने लगते। उन सब के पास वाग्नर की कहानियां थी, उससे सब डरते थे। वाग्नर वहां का भगवान था। वाग्नर को ये तय करने का हक था कि किसे जीना चाहिए और किसे मरना, किसे कितना लंबा जीना चाहिए और किसे तुरंत मर जाना चाहिए। वाग्नर ऐसा ही था। वाग्नर बहुत दुष्ट, बुद्धिमान, धूर्त और हिंसक था। उसके स्वभाव के बारे में बताने में बहुत समय लगेगा और अभी भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं असल में उसके लिए इस्तेमाल कर सकूं।
कत्ल करने में माहिर, कद काठी से बेहद ताकतवर, क्रूर और बहुत बुद्धिमान। उसे सब कुछ पता होता था। वो डर और दहशत फैला कर रखता था। वो हर चीज पर नजर रखता। कई कैदियों को ये बात याद है। वो 25 कोड़े मारने के लिए कुख्यात था। सोबीबोर में काम करने वाले लगभग हर कैदी ने वो कोड़े खाए हैं। और अगर गलती से भी आपने गलत गिनती की तब आपको फिर से 25 तक गिनना होता था। मारेक बेम सोबीबोर में बने स्मारक के निदेशक हैं। वो कई सालों तक शिविर के कुछ जीवित बचे लोगों के संपर्क में रहे। उन्हें श्लोमो के जिंदा बच निकलने की कहानी अब भी याद है। श्लोमो केवल 15 साल का था जब उसका पहली बार वाग्नर से सामना हुआ था। श्लोमो खास था, अपनी तरह का अनूठा। आप ये समझिए कि वो बहुत कम उम्र का था, एक छोटे लड़के से कुछ ही बड़ा। उसमें बहुत ऊर्जा थी, उसके पास बहुत साहस और दिमाग था। वो लोगों को चुन रहे उस आदमी के पास गया और बोला कि क्या आपको सुनार की जरूरत है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जिंदगी और मौत के बीच कुछ ही सेकंड का अंतर था। वाग्नर ने श्लोमो को छोड़ दिया क्योंकि श्लोमो सोने का काम जानता था। उसे मजबूर किया गया कि वो मारे जा रहे यहूदियों के पास मिले सोने के सामान और सोने के दांतों से गहने बनाए। वाग्नर और उसके एसएस वाले साथियों ने अपने चाबुक पर सोने जड़वाए या अपनी बीवियों के लिए गहने बनवाए। वाग्नर के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद लालची था। मई 1942 में यहाँ हुई उनकी पहली मुलाकात से लेकर 1978 में ब्राजील के पुलिस स्टेशन में आमने सामने मिलने तक श्लोमो ने सबसे ज्यादा वाग्नर के बारे में ही सोचा था। मई 1978 में गुस्ताव फ्रांस वाग्नर 30 साल बाद फिर से दिखा। वो अंडरग्राउंड हो गया था और गुमनामी में जी रहा था, लेकिन अब उसने खुद को दुनिया के सामने लाने की सोची। कोई आदमी अगर अपने लोगों के लिए राष्ट्रवादी है तो क्या वो नाजी हो गया? ये कैसी बात हुई? क्या ये कोई गाली है या कोई सम्मान भरा तमगा? मुझे नहीं पता। जब आप यातना शिविर में काम करते थे तो क्या आपने वहाँ बहुत से यहूदी, बहुत से मरे हुए लोगों को देखा था? मैंने क्या देखा था? बहुत से यहूदी और मरे हुए लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप जानते हैं वहाँ कितने यहूदी मरे? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता? मुझे कोई जानकारी नहीं है। देखिए, जब आप ऐसे हालात में होते हैं तो आप उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं जो हो रही हैं और जो आपको मंजूर नहीं है। जो आदमी कैदियों के बीच सोबीबोर के शैतान के नाम से जाना जाता था, वो दावा कर रहा है कि उसे कैंप में हुए लोगों के सामूहिक कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये दावा मानने लायक नहीं था क्योंकि वाग्नर एक कट्टर नेशनल सोशलिस्ट था। ।1931 की शुरुआत में गुस्ताव वाग्नर नाजी पार्टी में शामिल हुआ। 1933 में वो एसएस में शामिल हो गया। ।1942 में वाग्नर ने सोबीबोर डेथ कैंप बनाने में मदद की और वो वहां का सबसे अहम व्यक्ति बन गया। वाग्नर सोबीबोर का दूसरा नाम बन गया। यहूदियों से नफरत, सारी क्रूरता, लोगों को मारकर मिलने वाली खुशी, वो सब का प्रतीक था। गुस्ताव वाग्नर ने कभी नहीं सोचा होगा कि 3 दशक से भी ज्यादा वक्त बीतने के बाद दुनिया के किसी अलग ही कोने में उसका सामना दोबारा श्लोमो श्माइज़नर से होगा। उसके साथ क्या होना चाहिए? उसे जेल जाना चाहिए और अपने गुनाहों के बारे में सोचना चाहिए। वो 36 साल आजाद रहा जबकि कई लोग इतने लंबे समय से कैद में हैं।
मौत की सजा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सजाए मौत का विरोधी हूँ। श्लोमो श्माइज़नर की न्याय की उम्मीद व्यर्थ रही। वाग्नर पर कोई मुकदमा नहीं चला और न उसे जर्मनी ही भेजा गया। ब्राजील के कानून के मुताबिक उस पर मुकदमा चलाने की मियाद बीत चुकी थी। 2 साल बाद वो मर गया। वो अपने ही बाथरूम में अपनी गोद में एक बड़े चाकू के साथ मिला। छाती पर चाकू के वार से उसकी मौत हुई थी। मौत की आधिकारिक वजह खुदकुशी बताई गई। कुछ समय बाद अमेरिका में डाक से एक पोस्ट कार्ड आया। इसमें गुस्ताव वाग्नर के शरीर की एक तस्वीर थी और एक रहस्यमय संदेश था। उसमें लिखा था कि उसने अपनी ही पीठ में छुरा घोंप कर खुदकुशी की, अपनी जान ली। मुझे याद है, ये बात मेरे दिमाग में रह गई। मैं अब्राहम राब से मिलने जा रहा हूं, जो अमेरिका में पूर्वी तट पर रहते हैं। एस्टर राब, जो सोबीबोर के कुछ सर्वाइवरों में से एक थीं, उन्होंने अपना जीवन यहीं बिताया था। वो कार्ड उन्हीं के लिए था। अब्राहम उनका बेटा है। कार्ड किसने भेजा था और उसमें क्या लिखा था? अब्राहम राब ने सोचा कि वो पोस्टकार्ड भी दूसरे रिकॉर्ड्स के साथ ही उस जगह पड़ा होगा। पता नहीं, एक दिन अखबार में एक लेख आया कि वाग्नर मर चुका है और उसके कुछ ही समय बाद हमें ब्राजील से एक पोस्टकार्ड मिला जिसमें वाग्नर की एक तस्वीर थी जिसमें वो गिरा हुआ सा था। मेरे ख्याल से उस वक्त वो कमोड पर था और नोट में लिखा था कि उसने चाकू मारा है, उसने अपनी पीठ में चाकू मार कर खुदकुशी कर ली है। इस पर हमने कुछ मजाक जैसा भी किया था कि अपनी पीठ पर खुद ही चाकू मारना जरा मुश्किल लगता है, लिहाजा जरूर किसी ने खुदकुशी में उसकी मदद की होगी। अब्राहम की माँ एस्टर राब सोबीबोर के बचे हुए लोगों की एक खास आवाज थी। डेथ कैंप और गुस्ताव वाग्नर की यादें उन्हें जीवन भर परेशान करती रहीं। वाग्नर के मरने से 1 साल पहले एस्टर राब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने सोबीबोर में वाग्नर के साथ बीते वक्त के बारे में बताया था। मैं उसे भूल नहीं पाती। मुझे हमेशा सपना आता है कि वो मेरा पीछा कर रहा है। मुझे ये ख्वाब अक्सर आता है। मुझे लगता है कि इससे ये एहसास रह जाता है कि मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं सच में कभी खुश नहीं हो सकती। आप कभी खुश नहीं हो सकती? और आप इसका दोषी किसे मानती हैं? वाग्नर को। हमें वो पोस्टकार्ड नहीं मिला जिसका जिक्र अब्राहम ने किया था। हमने उनसे कहा कि जितना हो सके वो पोस्टकार्ड पर मौजूद तस्वीर का स्केच बनाने की कोशिश करें। वो तस्वीर बहुत डिटेल में नहीं थी। एक छोटे से कमरे में टॉयलेट पर बैठा एक आदमी, मेरे ख्याल से वो बिना कमीज था और उसकी पीठ पर कट के निशान थे। अब्राहम का स्केच वैसा ही लग रहा था जहां वाग्नर की लाश मिली थी। तो ये पोस्टकार्ड और रहस्यमय संदेश किसने भेजा होगा? हमें लगता है ये श्लोमो ने भेजा होगा। क्या श्लोमो वाग्नर की मौत में शामिल था? हाँ, मुझे तो लगता है।
क्या आपके परिवार में सभी को ऐसा ही लगा? हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। उन्हें लगा कि श्लोमो ये नहीं कहना चाहता कि उसने हत्या की, लेकिन वो चाहता है कि हम जान लें कि उसी ने मारा है। एस्टर राब और उनके बेटे के लिए पोस्टकार्ड इस बात का सबूत था कि किसी ने सोबीबोर के पीड़ितों का बदला लिया था। क्या वो श्लोमो था? और ये श्लोमो नाम से मशहूर स्टानिस्लाव श्माइज़नर दरअसल था कौन? 1980 के दशक के मध्य में एक फिल्म क्रू ने उसे फिल्माया था। उस समय तक ब्राजील श्लोमो का नया घर बन चुका था। 1947 में वो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए रियो डी जेनेरो आया था। लेकिन वो अपनी यादों को पीछे नहीं छोड़ पाया था। श्लोमो बहुत ही आकर्षक, बुद्धिमान और प्रताड़ित सा था। सब कुछ हद से ज्यादा। १९८० के दशक में पेट्रा लाटेस्टर सिश ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर काम किया जिसमें श्लोमो मुख्य किरदार था। उन्होंने शोध के लिए ब्राजील की यात्रा की और श्लोमो के साथ रही। पहले ही पल से वो कुछ अनूठा सा था। श्लोमो का बीता हुआ कल भयावह और असहनीय था। लेकिन दूसरी ओर वो आश्चर्यजनक रूप से मजाकिया भी था। हमने खूब हंसी मजाक किया। इसके साथ ही वो बेहद दिलचस्प, जिसे हम कह सकते हैं कि एक दिलकश शख्सियत था। एक ऐसा आदमी जो आपका दिल जीत ले। आपने पूछा कि वो कितना सहज और ईमानदार था। अजीब बात है कि मैंने उसे बेहद सहज और ईमानदार पाया, लेकिन कुछ चीजें थीं जिसके बारे में उसने कभी बात नहीं की। अपनी उस यात्रा के दौरान पेट्रा लाटेस्टर सिश और श्लोमो अक्सर गुस्ताव वाग्नर के बारे में बात करते थे। ये बात बिल्कुल साफ थी कि वो मानता था कि वाग्नर जैसा राक्षस जिंदा रहने लायक नहीं है। उसने मुझे वाग्नर और उसकी मौत से जुड़ी एक तस्वीर और एक बहुत पीले रंग की पुराने अखबार की कतरन या शायद कई कतरने दिखाई। तब तक वो काफी पीली पड़ चुकी थी और वो यकीनन उन्हें बार बार देखता होगा क्योंकि वो कागज काफी मुड़े तुड़े और फटे से थे। मुझे वो फोटो घिनौनी सी लगी। और हाँ, उसने मुझे ऐसे दिखाया जैसे अपनी किसी जीत की फोटो दिखा रहा हो। और आज तक मुझे नहीं पता कि वो क्या दिखाना चाहता था। वो एक पहेली था, एक पहेली। उसके पास हथियार थे
शायद पहले 0.22 कैलिबर और फिर बाद में 0.38। वो ऐसा आदमी नहीं था जो अपने पीड़ित होने का रोना रोए। कभी कभी कोई यहूदी किसी न किसी तरह से मोसाद की मदद कर देता था। मोसाद ने कई युद्ध अपराधियों का सफाया किया है और सूची में कौन था? गुस्ताव फ्रांक्स वाग्नर। कई बार मौका नहीं मिलता, लेकिन जब उसने टीवी पर गुस्ताव वाग्नर को देखा तो उसे मौका मिल गया। जंग के बाद श्लोमो ब्राजील में आकर बस गया। 70 साल से ज्यादा बीतने के बाद मैं उसके कदमों के निशान ढूंढ रहा हूँ। क्या मुझे अब भी श्लोमो को जानने वाले लोग मिलेंगे और क्या उन्हें पता होगा कि वाग्नर की मौत में उसकी कोई भूमिका थी या नहीं? 1947 में जब श्लोमो यहाँ आया तो उसने यूरोप की यादों को पीछे छोड़ने का इरादा कर लिया था। वो एक नई जिंदगी, एक नई शुरुआत चाहता था। फिर उसने शादी की और उसके 2 बेटे हुए। फिर वो एक ऐसे आदमी से मिला जिसने उसके और सोबीबोर से बचे कुछ लोगों के जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। मैं अपने एक साथी मार्टिन कॉल के साथ जा रहा हूँ। मार्टिन पुर्तगाली बोलता है और ब्राजील को अच्छी तरह से जानता है। जिस आदमी से हम मिलने जा रहे हैं वो रियो डी जेनेरो के सबसे अमीर इलाकों में से एक फ्लेमिंगो में रहता है। ये हैं एक जाने माने पत्रकार और प्रकाशक स्वी ग्वेल्डर, और ये हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ मेरा इंटरव्यू। उनके साथ बात करना बहुत ही सुखद अनुभव था। मेरा नाम स्वी ग्वेल्डर है। मेरी पूरी जिंदगी पढ़ने लिखने में ही बीती है। ये 1968 की बात है। मैं न्यूज रूम में था। मुझे उसी बिल्डिंग के नीचे से एक फोन आया और रिसेप्शन ने मुझसे कहा, कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। उसका नाम क्या है? स्टानिस्लाव श्माइजनर, उन्होंने बताया। मैंने सोचा ये तो यहूदी नाम है, यानी कोई यहूदी आया है। मैंने कहा ठीक है, ऊपर भेजो। श्लोमो ने स्वी ग्वेल्डर को अपनी कहानी बताई। उसने डेथ कैंप और वाग्नर के बारे में बात की और सोबीबोर के विद्रोह के बारे में, जहां से लगभग 300 कैदी भाग गए थे। श्लोमो बचे हुए कुछ लोगों में से एक था और वो एक किताब लिखना चाहता था। स्वी ग्वेल्डर ने हेल इन सोबीबोर नाम से किताब प्रकाशित की। हर कोई उस दिन तक यही कहता कि यहूदी कैसे भीड़ की तरह चुपचाप शांति से बिना हो हल्ला किए गैस चैम्बर में चले गए, और फिर अचानक एक दिन एक यातना शिविर की कहानी सामने आई। और सिर्फ यातना शिविर नहीं, वहाँ पर हुआ यहूदी विद्रोह भी, और तब यहूदी समझ पाए कि ऐसा नहीं था कि उनके यहाँ नायक नहीं हुए, और स्टानिस्लाव की किताब की यही खास बात थी। स्टानिस्लाव श्माइजनर दुनिया को बताना चाहता था कि सोबीबोर में क्या हुआ था। वो एक बहुत ही साधारण आदमी था।
उसे अपने बारे में चर्चा पसंद थी। जब एक मैगजीन में उसकी फोटो छपी थी तो वो फूला नहीं समाया, तो एक तरह से उसने अपनी शोहरत का रास्ता खुद बनाया था। हाँ, इसे शोहरत कह सकते हैं, और लोग कहते हैं कि उसे 15 मिनट की शोहरत मिली। गवाही देना एक बात है, लेकिन क्या श्लोमो इससे ज्यादा कुछ चाहता था? एक इंटरव्यू में जब श्लोमो से पूछा गया कि क्या वाग्नर की मौत में कोई यहूदी शामिल था, श्लोमो का जवाब टाल मटोल वाला था। श्लोमो ने जवाब देने से इनकार क्यों किया? ये कहना स्तानिस्लाव की शख्सियत से बिल्कुल मेल खाता है। ये सब बोलता हुआ उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने तैर जाता है, एकदम खुशी से भरा हुआ, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द एक रहस्य बुन रहा था। उसे मजा आता था, बहुत मजा। माफ कीजिएगा, मैं हंस पड़ा, लेकिन मैं स्तानिस्लाव को बिल्कुल वो करते हुए देख सकता हूँ जैसा आप बता रहे हैं। स्तानिस्लाव श्लोमो श्माइज़नर यूरोप से 11,000 किलोमीटर दूर रियो आया। जब आया तो वो कैसा था, और ब्राजील में वो कैसा हो गया? क्या वो नाजियों को भूलने की कोशिश कर रहा था, या उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की कोशिश कर रहा था? जो भी हो, श्लोमो ने ये तय कर लिया था कि वो फिर से नहीं छिपेगा, लेकिन जो दूसरे लोग वहाँ से निकले थे उन्होंने वैसा किया क्योंकि वो छिपना चाहते थे, गायब हो जाना चाहते थे। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, जर्मनी हार गया था। धीरे धीरे नाजी अत्याचारों की और कहानियां सामने आईं। गुस्ताव वाग्नर का नाम युद्ध अपराधियों की सूची में था। उस पर कत्ल, नरसंहार और बाकी कई अपराधों के आरोप थे। वाग्नर भाग गया, उन हजारों नाजियों की तरह जो रेड लाइंस नामक एस्केप रूट से भागे थे। बहुत से लोग जहाज से दक्षिण अमेरिका पहुंच गए, कई लोग ब्राजील में गए। उनमें से कई जर्मन भाषी लोगों के साथ रहे और जर्मन परंपराओं को बनाए रखा। गुस्ताव वाग्नर 1950 में ब्राजील पहुंचा। उसने अपना असली नाम नहीं छुपाया। उससे दूसरे विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट में उसकी भूमिका के बारे में नहीं पूछा गया। हमारा राष्ट्रपति जेतुलियो वार्गस दरअसल एक तानाशाह था। वो नाजी जर्मनी का समर्थक था। वो सभी विदेशियों का स्वागत करता था, चाहे वो कहीं से भी हो, कैसे भी हो। ब्राजीलियाई लोगों को इसकी परवाह नहीं थी कि जंग में फ्रांस या फ्रिट्ज ने क्या किया होगा। उन्हें बस सांबा, कशासा और फुटबॉल से मतलब था, बस। कशासा, फुटबॉल, मोंटफिनो। वाग्नर साओ पाउलो के पास एक शहर आचीबाया में बस गया। वो एक महिला से मिला, उससे दोस्ती की और वहीं एक नया घर बसा लिया। लेकिन वो अपने अतीत से नहीं भाग पा रहा था। मेरा नाम मारियो चिमानोविच है, मैं 76 साल का हूँ, और मैंने ब्राजील में छिपे एक खास नाजी अपराधी को पकड़ने में जीमोन विजेंथाल की मदद की थी, और उसका नाम था गुस्ताव फ्रांस वाग्नर। शुरुआत में वाग्नर को कोई चिंता नहीं थी। वो दक्षिण अमेरिका में रहने वाले सबसे प्रमुख नाजी से काफी दूर था।
कुछ लोग पराग्वे, बोलिविया और अर्जेंटीना चले गए थे और अडोल्फ आयुष्मान ब्यूनस आयरस पहुंचा। आयुष्मान यूरोपीय यहूदियों के नरसंहार के सूत्रधारों में से एक था। अर्जेंटीना में वो नकली नाम से रहता था। क्लाउस बार्बी बोलिविया में बस गया। वो अधिकृत फ्रांस के लियोन में गेस्टापो का मुखिया था और अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। योसेफ मिंगेले, जो कि एक डॉक्टर था, वो आउशविट्स में कैदियों पर अपने प्रयोगों के लिए बदनाम था। वो अपनी यात्रा में आधे दक्षिण अमेरिका तक चला गया। पहले तो किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अपना जीवन लगभग पूरी तरह से बिना किसी रोक टोक के बिताया। यहाँ पर एक तरह से जर्मन सुरक्षित थे। ऊंचे रैंक के एसएस अधिकारियों ने दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दौर में एक नेटवर्क स्थापित किया था। सब कुछ उन्हें वहीं से मिल जाता था, जाली दस्तावेज, परिवहन, काम, सब कुछ। श्लोमो श्माइज़नर कैसे और कहाँ रहता था? हमारी यात्रा का अगला पड़ाव हमें ब्राजील ले गया। जब श्लोमो यहाँ आया तो उसे नहीं पता था कि वाग्नर भी ब्राजील में रह रहा है। श्लोमो इस बिल्डिंग में रहता था, एक बड़ी छत वाली सबसे ऊपरी मंजिल पर। यहीं पर मैं अपने परिवार के साथ रहती थी, 602 नंबर अपार्टमेंट में। और यहाँ पर हमारा चहेता स्टानिस्लाव रहता था। ये फुटेज 1980 के दशक में श्लोमो के अपार्टमेंट में ली गई। मेरा नाम जूलिया सालोमाओ है। मैं स्टानिस्लाव की पड़ोसी थी। वो कैसा आदमी था? बहुत ही रहस्यमयी। वो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अदब वाला और बहुत बुद्धिमान था, लेकिन साथ ही उसमें एक तरह की कड़वाहट भी थी। जितना वो खुश रहने की कोशिश करता, उसे उतनी ही कड़वाहट महसूस होती। मुझे लगता है कि ये उसके चारित्रिक गुण थे। ये उसकी जिंदगी का नतीजा था। ये उसके दिल में बस गया था। एक दिन हमारी बिल्डिंग में आग लग गई। फायर अलार्म बजा और सभी लोग सीढ़ियों से नीचे भागे, लेकिन जब हम नीचे पहुंचे तो सबको ख्याल आया कि स्टानिस्लाव नहीं है। कहाँ है स्टानिस्लाव? हम सब परेशान हो गए। मेरी चाची वापस ऊपर गईं। फायर फाइटर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी गईं। वो ऊपर उसके अपार्टमेंट में गईं तो देखा कि वो एक कोने में घबराया हुआ बैठा था। वो बहुत डर रहा था। मेरी चाची ने उसे एक बच्चे की तरह पकड़ा। वो रोने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने अतीत के बहुत मुश्किल वक्त को फिर से जी रहा हो। उसने तो सोबीबोर छोड़ा, लेकिन सोबीबोर ने उसे नहीं छोड़ा। ये बहुत दुखद था। श्लोमो गोयनिया में अकेले रह रहा था। उसने अपनी पत्नी और दोनों बेटों को रियो में छोड़ दिया था। वो एक सर्वाइवर है। उसने सब कुछ से पार पाने की कोशिश की। मेरा नाम होद्रिगो इस्तिवाले तेईशेरा है और स्टानिस्लाव श्माइज़नर की मेरे पूरे परिवार से अच्छी जान पहचान थी।
मुझे नहीं लगता कि स्टानिस्लाव सिर्फ एक आदमी था, उसमें कई आदमी समाये थे, क्योंकि वो जल्दी खुद को ढाल लेता था। वो जब जिस माहौल में रहा उसने खुद को ढाल लिया। जब वो बच्चा था तो उसकी अलग दुनिया थी। वो पहले कैंप गया, फिर वो रूसी सेना में गया, वहां लड़ाई लड़ी, फिर वो ब्राजील आया। यहाँ उसने जिंदगी जी या कहें कि बनाई, है ना? लेकिन वो अतीत को नहीं भूल सका। आप अतीत को भूल भी कैसे सकते हैं? आप कोशिश कर सकते हैं पर ऐसा कर नहीं पाते हैं। गुस्से से भरा हुआ, दुख के बोझ से दबा और गुस्से के अलावा भावनात्मक रूप से एक मरा हुआ आदमी, उसके बारे में मेरी पहली राय यही थी। तो एक अकेला गुस्से से भरा हुआ आदमी बिना खुदकुशी किए कैसे रहा? म्यूजिक की वजह से। तो उसकी अपनी एक मांद थी, मैंने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था। वहां शायद 1000 लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स होंगे, वाइनल रिकॉर्ड्स, मोत्सार्ट से मंतोवानी तक सब कुछ होगा। यही उसके लिए अफीम जैसा था, यही उसकी नींद की दवा, यही उसकी शराब यानी संगीत। म्यूजिक। रिचर्ड राश की श्लोमो से मिलने गोयनिया गए। 40 साल बाद भी उन्हें याद है कि श्लोमो ने क्या कहा था। मुझे नफरत है और मुझे बदला चाहिए, उसने ये मुझसे कहा था। वो ऐसा ही था, इसमें कुछ भी भ्रम नहीं था। अगर वो किसी से नफरत करना चाहता था तो उसने की, और अगर वो किसी को मारना चाहता था तो वो एक ही आदमी था, गुस्ताव वाग्नर। ১৯৬০ के दशक की शुरुआत में दक्षिण अमेरिका में छुपे हुए नाजियों की तलाश शुरू हुई। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अडोल्फ आइशमन का पता लगाया और उसका पीछा किया। मई 1960 में आइशमन को इजरायली एजेंटों की एक टीम ने पकड़ लिया और इजराइल ले आए। उस पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया था। इस मुकदमे ने नाजी शासन की क्रूरता को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। आयुष्मान को मौत की सजा दी गई। ये मुकदमा उन छिपे हुए नाजियों के लिए भी एक संदेश था कि आयुष्मान की तरह उन्हें भी ढूंढकर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सारी पहल दक्षिण अमेरिका में नाजियों को ढूंढकर मारने के संबंध में उठाए गए कदम, सब कुछ मोसाद की तरफ से हो रहा था, स्थानीय समुदायों की ओर से नहीं। कभी कभी कोई यहूदी किसी न किसी तरह से मोसाद की मदद कर देता था। जंग के बाद वाले उस दौर में नाजियों को पकड़ने में जीमून विजेंथाल का नाम सबसे खास था। वियना में उन्होंने दुनिया भर से सबूत इकट्ठा किए, दस्तावेज तैयार किए और अलग अलग सुरागों के बीच संबंध स्थापित किए। विजेंथाल भी गुस्ताव वाग्नर को ढूंढना चाहते थे। उस जंग के बाद से अपने पूरे करियर में मैं जितने भी क्रूर लोगों से मिला उसमें गुस्ताव वाग्नर को मैं सबसे बुरे लोगों में से एक मानूंगा, और जिसे मैं सबसे खराब कह रहा हूँ उसे एसएस ने सबसे बढ़िया माना होगा। ১৯৬০ के दशक में विजेंथाल ने फ्रांस स्टांगल के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। स्टांगल गुस्ताव वाग्नर से ऊंचे ओहदे का आदमी था और वो सोबीबोर में मिले थे।
जहां श्टांगल कैंप कमांडर था। श्टांगल भी ब्राजील में ही छुपा था। श्टांगल को 1967 में गिरफ्तार किया गया, जर्मनी भेजा गया और मुकदमा चलाया गया। अदालत में श्टांगल का सामना डेथ कैंप के एक सर्वाइवर से हुआ। ये था स्तानिस्लाव श्माइज़नर यानी श्लोमो, जो श्टांगल के खिलाफ गवाही देने के लिए ब्राजील से आया था। सोबीबोर में श्लोमो को मारे गए यहूदियों से निकाले गए सोने से श्टांगल के लिए भी आभूषण बनाने को मजबूर किया गया था। मुझे लगता है कि स्तानिस्लाव को उस जंग में इतना कुछ सहना पड़ा कि वो कुछ ठीक करना चाहता था, शायद दुनिया को कुछ बेहतर करना चाहता था, या शायद अपने अंदर कुछ ठीक करना चाहता था। स्टानिस्लाव श्टांगल वाले इस मामले के बाद अपने आप को थोड़ा हीरो जैसा मान रहा था। श्लोमो की जर्मनी यात्रा सफल रही। श्टांगल को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। मुकदमे के दौरान श्टांगल ने एक राज खोला। वाग्नर की आजादी पर पहला खतरा 1967 में मंडराया। फ्रांस श्टांगल, जिसके साथ वो भागा था, उसे ब्राजील में पकड़ लिया गया। उसे नाजियों का पीछा करने वाले जिमोन विजेनथाल ने ढूंढ निकाला। श्टांगल को पश्चिमी जर्मनी को सौंप दिया गया और वहीं जेल में उसकी मौत हो गई। लेकिन उससे पहले उसने बता दिया कि वाग्नर जिंदा है और ब्राजील में है। श्लोमो को अब ये भी पता था कि वाग्नर कहाँ रह रहा था। बताया जाता है कि उसने कहा था कि वो उसी हवा में सांस नहीं ले सकता है जिसमें वाग्नर ले रहा हो। तो क्या श्लोमो वाग्नर को खोजना चाहता था? मुझे नहीं लगता कि स्तानिस्लाव कभी दक्षिण अमेरिका में किसी नाजी की मौत में शामिल रहा होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्तानिस्लाव अक्सर मेरे पास आता था, मेरी अक्सर उससे बात होती थी। अगर किसी ने उससे बात की होती तो वो मुझे बताता। और किसे पता होगा कि श्लोमो ने वाग्नर को ढूंढने की कोशिश की थी या नहीं। क्या श्लोमो ने विजेनथाल की मदद की थी? श्लोमो की पत्नी मर चुकी है और केवल एक बेटा जिंदा है। हमने कई बार उस तक पहुंचने की कोशिश की। हमने उसे बात करने की हर मुमकिन कोशिश की, सैकड़ों व्हाट्सएप मैसेज लिखे, उसे कॉल करने की कोशिश की, दोस्तों और परिवार के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश की। आखिरकार वो श्लोमो का बेटा है, वो हागेन में अदालत में उसके साथ था। जब उसके पिता को अंग्रेजी में बात करनी होती तो वही अनुवाद करता था, इसलिए वो बहुत कुछ जानता है। हमें उम्मीद है कि वो हमारी मदद कर सकता है। हमने उसके रहने का ठिकाना पता कर लिया। हमने उसे एक खत लिखने का फैसला किया, ये पूछने के लिए कि क्या वो हमसे मिलना चाहेगा, और उसे उसके मेलबॉक्स में डाल दिया। हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे और अति भी नहीं करना चाहते थे। मार्टिन अकेले उसके घर गए थे। अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वो काफी देर से दरबान के साथ वहाँ है। दरबान ने कहा हाँ वो यहीं रहता है, ये उसकी तस्वीर मिली है, वो ऐसा दिखता है, लेकिन उसने उसे कई महीनों से नहीं देखा। आमतौर पर वो अपनी पत्नी या बेटी के साथ घूमने निकलता है, उसके दामाद का भी आना होता है, लेकिन उसका कहना है कि उसने कुछ समय से उनमें से किसी को नहीं देखा है और उन्हें पता नहीं है कि वो कहाँ है। वो महीनों से घर नहीं आया। श्लोमो के बेटे ने कभी भी हमारे मैसेज या खतों का जवाब नहीं दिया। हम समझ गए कि वो हमसे बात नहीं करना चाहता। 1974 में वाग्नर तब भी ब्राजील में सुरक्षित महसूस कर रहा था। इस बीच जर्मनी में उसकी खोज हो रही थी, उसकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन ब्राजील में वो आम जिंदगी जी रहा था। उसने अपने असली नाम से ही पासपोर्ट की तारीख बढ़ाने के लिए अप्लाई किया था। जीमोन विजेनथाल अभी भी वाग्नर को ढूंढ रहे थे। साओ पाउलो में हम मारियो चिमानोविच से मिले। ये वो आदमी था जिससे विजेनथाल ने वाग्नर को ढूंढने में मदद ली थी। तो
क्या आपको पता है मुझे ये क्यों चाहिए? मैंने अपने जीवन में बहुत स्मोक किया, 50 साल। चिमानोविच एक पत्रकार हुआ करते थे। उन्होंने दक्षिण अमेरिका में नाजियों पर शोध किया था। आप समझिए कि मैं इस कहानी का मुख्य किरदार था। मैंने नाजियों को ढूंढने वाले जिमोन विजेंथाल को एक नकली कहानी बुनने के लिए मनाया था। विजेंथाल को शक था कि वाग्नर साओ पाउलो के पास कहीं रह रहा था। सुबह 7 बजे मेरे पास एक फोन आया। उधर से आवाज आई, हेलो, मैं वियना से जिमोन विजेंथाल बोल रहा हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। यहाँ आइए और मैं आपको एक सुराग दूंगा। कैसा सुराग? मैंने पूछा। उसने कहा, द बीस्ट ऑफ सोबीबोर ब्राजील में है। गुस्ताव फ्रांस वाग्नर। मैं नहाया, अपने सूटकेस में कपड़े पैक किए, हवाई अड्डे के लिए भागा और वियना की टिकट खरीदी। अगली फ्लाइट 30 मिनट में उड़ी। वियना में फ्लाइट से उतरते ही मैंने रास्ता पूछा, विजेंथाल सेंटर का रास्ता किधर से है? सिमोन विजेंथाल ने चिमानोविच को वाग्नर के बारे में वो सब कुछ बताया जो वो जानते थे। फिर जिमोन ने मुझे उस आदमी के बारे में बताया, उसकी क्रूरता, उसने यहूदियों को कैसे मारा और कैसे वो अपने नाम के साथ ही ब्राजील में रहता रहा है। मैंने कहा, इस कहानी में एक खास चीज गायब है। वो क्या है? उसकी तस्वीर। हमारे पास उसकी एक भी तस्वीर नहीं थी, एक भी नहीं, न बियर पीते हुए या टहलते हुए। तो ये सुराग किसी काम का नहीं था, विजेंथाल समझ गए। मैंने यूं ही एक सुझाव दिया। मैंने कहा कि किसी और की तस्वीर लेते हैं और उसे वाग्नर बता देंगे। चिमानोविच ने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल से एक तस्वीर ली जो ब्राजील के किसी जर्मन हिटलर समर्थक की थी। चिमानोविच ने दावा किया कि तस्वीर में दिख रहा शख्स वाग्नर था, जबकि उन्हें पता था कि ऐसा नहीं था। ये कौन था? कोई बेवकूफ बदमाश आदमी था। उसने कुछ बूढ़े लोगों के साथ मिलकर हिटलर की पुण्यतिथि मनाई थी, मतलब ऐसा कुछ हुआ था। हेल हिटलर, फिर एक घूंट शराब पी ली, फिर कहा हेल हिटलर, फिर दूसरा घूंट पिया। यह योजना काम कर गई। गुस्ताव वाग्नर, एक नाजी जो अब तक छुपा हुआ था, अचानक ब्राजील में एक बड़ा मुद्दा बन गया। विजेंथाल की मदद से ये झूठ लोगों में फैल गया। फिर कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। ब्राजील के अधिकारी दबाव में आ गए। अचानक हर कोई गुस्ताव वाग्नर के बारे में पूछने लग गया। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। गुस्ताव फ्रांस वाग्नर ने अचानक पुलिस स्टेशन में आकर कहा, वो मैं नहीं हूँ, वो किसी और की तस्वीर है, ये मोसाद का जाल है, वो मुझे भी अडोल्फ आइशमन की तरह पकड़कर इजराइल ले जाना चाहते हैं। वाग्नर को साओ पाउलो के पुलिस स्टेशन में जनता के सामने पेश किया गया। श्लोमो वाग्नर की पहचान करने के लिए वहां गया था। श्लोमो उस आदमी के सामने खड़ा था जिसने उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। क्या
क्या आपने यातना शिविर में लोगों का कत्ल किया था? नहीं, किसी का नहीं। क्या आपने इन्हें कत्ल करते देखा था? हाँ, मैंने देखा था, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ मानने को तैयार नहीं है। वो सब के सब बहुत अच्छे थे। वो हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आए। बस अब इतना ही कहना बाकी है कि वो हमारे लिए फूल लेकर आते थे। मुझसे एक सिगरेट ले लो, मुझे बड़ी खुशी होगी। सोबीबोर को याद करो, सिगरेट पियो। तुमने मुझे कभी सिगरेट नहीं दी, लेकिन मैं दे रहा हूँ। शांत हो जाओ। वाग्नर को ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया लाया गया और अदालत में पेश किया गया। चार देश, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इजराइल और जर्मनी, सभी उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहे थे, लेकिन वाग्नर को सौंपा नहीं गया। ब्राजील की अदालत ने फैसला किया कि उस पर मुकदमा चलाने की कानूनी समय सीमा बीत चुकी है। वाग्नर एक बार फिर आजाद घूम सकता था। वो ज्यादा नहीं बदला है, केवल एक चीज जो बदली है वो ये कि वो अब बूढ़ा हो गया है, लेकिन वो अब भी वही गुस्ताव वाग्नर है, वही आदमी है। हालांकि वो सोबीबोर वाला गुस्ताव वाग्नर नहीं है, वो सोबीबोर का भगवान था, आज वो भगवान नहीं रहा। गुस्ताव वाग्नर को किसने मारा? उसके पास कसाई का चाकू मिला था। उसे किसने मारा, किसने नहीं, बहुत सारी बातें और अटकलें थी। अगर मैं सोबीबोर का सर्वाइवर होता तो मैं श्लोमो की तरह वाग्नर की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। शायद मैं उसे अपने हाथों से ही मार देता। श्लोमो जानता था कि उसे कैसे खोजना है, सो मैंने खुद से सवाल किया कि क्या वो ऐसा करना चाहेगा, और मेरा जवाब है हाँ, वो करेगा। वाग्नर हाथ में चाकू लिए वहाँ पर था। उसने मुझे चाकू दिखाया था और बिना कमीज पहने कुछ नाचने जैसी हरकत कर रहा था। मेरी पत्नी ने कहा वो खुद को मारने की कोशिश करेगा या किसी और को मार डालेगा। इतने दशकों के बाद ये पता लगाना आसान नहीं है कि उस समय दरअसल वहाँ क्या हुआ था। क्या वाग्नर की मौत में श्लोमो का कोई हाथ था, या ये अटकलों के अलावा कुछ नहीं है? तथ्य क्या है, अनुमान क्या है? गुस्ताव वाग्नर की मौत की जांच से जुड़ी फाइलें अभी भी साओ पाउलो के जुडिशियल आर्काइव में हैं। वाग्नर की जिंदगी के आखिरी घंटों को कुछ पन्नों में लिखकर एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रख दिया गया। तो सज्जनों, तो ये रही वो महत्वपूर्ण और जरूरी फाइलें जो साओ पाउलो की अदालत में पेश हुई थी। हाँ, यहाँ यही लिखा है। कोरा, 69 साल उम्र, विधुर, वियना में जन्मा, फ्रांस और मैरी वाग्नर का बेटा। जांच ये पता लगाने के लिए शुरू की गई कि क्या ये वाकई खुदकुशी थी या फिर हत्या भी हो सकती है। उन्नीस सौ अस्सी में पुलिस की जांच में ये बात निकल कर आई कि वाग्नर की मौत खुदकुशी से हुई थी। काफी पतली फाइल है। हाँ, मौत की जांच के लिए केवल 25 पेज। ये रहा वो टॉयलेट के बगल में। मरने के लिए ये जगह बहुत अजीब है। यहाँ क्या उसने सचमुच खुद को यहाँ चाकू मारा? 15 सेंटीमीटर लंबा चाकू। ये तीर उस घाव की ओर इशारा कर रहा है जिसके कारण कथित तौर पर उसकी मौत हुई।
ये उसके दिल की तरफ था, लेकिन जरूरी नहीं कि चाकू का एक ही घाव आपकी जान ले लेगा। ये सब थोड़ा अजीब है। ये फुटेज वाग्नर की रिहाई के बाद का है। वो आदमी जो कभी बेहद क्रूर और ताकतवर था, अब लगातार डर के साए में जी रहा था। मिस्टर वाग्नर, अब आप अपनी जिंदगी में क्या करेंगे? उससे नफरत करने वाले लोग उसके आसपास रह रहे थे और जानते थे कि वो कहां रहता है। वाग्नर की रिहाई पर साओ पाउलो का यहूदी समुदाय हैरान रह गया था। श्लोमो के दोस्त खाइम कोरिनफील्ड, जो सोबीबोर के सर्वाइवर भी थे, उन दिनों को अच्छी तरह से याद करते हैं। उसे मारने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, पैसों का लेन देन भी हो गया था। उन दिनों मैं हमेशा हथियार रखता था। मैंने कहा, मैं हूं ना, क्या मैं उसके सर में गोली मार दूं? मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लूंगा मैं। श्लोमो को भी एक फैसला लेना था। 1980 के दशक के एक इंटरव्यू में श्लोमो वाग्नर का पता लगाने और उसे मारने के बारे में अपने विचार को लेकर हद से ज्यादा स्पष्ट था। मेरा सबसे बड़ा सपना था एक दिन वाग्नर का सामना करना। मैंने उसे मारने के बारे में सोचा था, लेकिन मेरे लोगों ने, यानी यहूदी समुदाय ने, मुझे ऐसा करने से रोक दिया, वरना मैं तैयार था। वाग्नर की मौत से एक साल पहले वाग्नर को ढूंढा जा रहा था और वो डरा हुआ था। उसकी मौत पर आई पुलिस रिपोर्ट बताती है कि वाग्नर को लगता था कि उसे टारगेट किया जा रहा है। गवाहों के मुताबिक वाग्नर मानसिक रूप से बहुत ठीक नहीं था। उसने कहा था कि उसने आवाजें सुनी, यहूदी उसका पीछा कर रहे थे और उसने पहले भी खुदकुशी की कोशिश की थी। उस ऐतिहासिक दिन को एक साल और पांच महीने बीत चुके हैं, जब पूरी दुनिया के सामने एक यहूदी स्टानिस्लाव श्माइज़नर ने वाग्नर को पहचाना था। अब वो दास क्लिनिकस अस्पताल की आठवीं मंजिल पर पुलिस सुरक्षा में है। किसी को पता नहीं है कि इस नाजी ने फिर से खुदकुशी की कोशिश क्यों की। अब क्या होगा? उसकी सर्जरी होगी। इमरजेंसी सर्जरी? हाँ। सोबीबोर का शैतान आज पहचाने जाने लायक नहीं था, एक आदमी जो अपने ही भ्रम जालों का कैदी बन गया था। पुलिस जांच के अनुसार जिस दिन वाग्नर की मौत हुई वो घर पर था, लेकिन वो अकेला नहीं था। यहाँ लिखा है कि तीसरे गवाह ने उसे हाथ में चाकू लेकर घर में जाते देखा, फिर बाथरूम में जाते देखा। यहाँ बाथरूम है, यहाँ टॉयलेट है, वो यहाँ टॉयलेट के बगल में गिरा पड़ा था। पिया क्या होता है? ओ, सिंक। वो सिंक और टॉयलेट के बीच में फंसा हुआ है, और यहाँ नीचे इस तस्वीर में सब ठीक से नहीं दिख रहा, ये चाकू है। ठीक है, ये गवाहों के नाम है। आरजे मीरो फ्रुतुओसो गोदोए, एक ब्राजीलियन, उम्र 33 साल। तो अभी वो 73 का होगा? हो सकता है वो अभी भी जिंदा हो, हो सकता है वो एक स्वतंत्र गवाह हो जो हमें बता सकता है कि क्या हुआ था। हम सबसे बड़े गवाह गोदोए को ढूंढना चाहते हैं। वो वाग्नर को जिंदा देखने वाला आखिरी शख्स था।
और हम ये भी जानना चाहते हैं कि 3 अक्टूबर 1980 जिस दिन वाग्नर की मौत हुई थी उस दिन श्लोमो कहाँ था। क्या श्लोमो वाग्नर को मार सकता था? पुलिस स्टेशन में सोबीबोर का पूर्व डिप्टी कमांडर अपने पूर्व पीड़ित के आमने सामने खड़ा था, वो पीड़ित आदमी जिसने लड़ना सीख लिया था। उस वक्त श्लोमो ने विद्रोह में इस्तेमाल किए गए हथियारों को पाने में मदद की थी। लगभग 300 कैदी भागने में कामयाब रहे थे। इस कहानी पर एक फीचर फिल्म भी बन गई। श्लोमो जब वहां से बचकर भागा तब वो रूसी गुरिल्ला लड़ाकों के साथ जा मिला। उन्होंने उसे एक घोड़ा दिया और एक राइफल दी। उसका काम जंग खत्म होने तक जर्मन सेना से लड़ना था। वो हत्या करना चाहता था और उसने वैसा ही किया, और उस काम के लिए उसे मेडल भी मिला। सवाल ये है कि क्या उसकी हत्या करने की इच्छा खत्म हो गई? क्या ये मान लेना सही होगा कि ब्राजील जाने के बाद उसके दिल से हथियार उठाने की चाह खत्म हो गई होगी? मैं कहता हूँ नहीं, ये नामुमकिन है। बदला लेना उसकी शख्सियत का हिस्सा हो गया होगा। कत्ल के मामले अपने पीछे सबूत छोड़ जाते हैं और उन सभी सबूतों की जांच करने वाले लोगों में से एक अभी भी जिंदा है। चालीस साल पहले हुई घटनाओं के बारे में उसे कितना याद होगा? जोसे अल्वारेंगा एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, जिनकी उम्र अब 71 साल है। वो अभी भी उस घटना स्थल के बेहद करीब रहते हैं। अचिबाया न केवल नाजियों के लिए बल्कि सभी किस्म के अपराधियों के लिए एक अच्छी जगह है। वो जंगलों में छुप सकते हैं। वहाँ बहुत सारी जगह हैं। वहाँ आपको कोई नहीं खोज सकता। आप हमेशा के लिए छिप सकते हैं। वो जिन जंगलों की बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा दूर हैं और वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। सड़कें पक्की नहीं हैं। मरने से पहले वाग्नर यहीं रहता था। मेरा नाम जोसे अपारिसिडो दे अल्वारेंगा है। मैं एक रिटायर्ड पुलिस जासूस हूँ। अपने करियर के दौरान मैंने कम से कम 80 मौतों की जांच की। घटना स्थल पर बहुत सारा खून पड़ा था, लेकिन घर साफ सुथरा था। 99% मामलों में अगर हत्या हुई हो तो आपको घटना स्थल पर किसी दूसरे आदमी का निशान मिलता है। हो सकता है वो एक कुर्सी हो जिसे अपनी जगह से खिसकाया गया हो। मतलब कोई ना कोई निशान जरूर होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं जिससे लगे कि हत्या हुई है। ये पूर्व जांचकर्ता इस बात को लेकर आश्वस्त थे। पुलिस फाइलों को पढ़ने से हम मोटे तौर पर वाग्नर की मौत की जगह के बारे में जान गए, लेकिन हमारे पास सटीक पता नहीं है। बार बार हमने स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की जो वाग्नर को उस समय से जानते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या कोई घर पर है? हम एक एक कर कई घरों में गए। ये एक बड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। हेलो, हाय, माफ कीजिए, मैं यहाँ एक घर ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगता है कि कुछ जर्मन यहाँ रहते हैं। माफ कीजिए, मैं मदद नहीं कर सकती।
जिस घर में वाग्नर एक जर्मन महिला के साथ रहता था वो इसी घने और खूबसूरत जंगल में कहीं होगा। उन्होंने यहाँ बेहद सुंदर माहौल और एकांत का आनंद लिया होगा। सबसे ज्यादा मजेदार ये होता था कि रात का खाना खा लेने और बर्तन धोने के बाद हम बाहर जाकर बैठते और शाम और प्रकृति का आनंद लेते थे। सबसे ज्यादा आनंद हमें इसी में आता था। मेंढकों की टर टर की आवाज, जुगनुओं को चमकते देखना, और हम हमेशा थोड़ी इधर उधर की बातचीत करते थे। कमाल था। फिर हमें वो जगह मिली जहाँ वाग्नर की मौत हुई थी। कुछ लोगों ने बताया कि उसके परिवार के कुछ लोग अभी भी यहाँ रहते हैं। हेलो सर, क्या आप अलेक्जेंडर के भाई हैं? नहीं तो मैं गुस्ताव वाग्नर के एक रिश्तेदार को ढूंढ रहा हूँ, मुझे उनसे बात करनी है। हेलो, क्या आपके पास उस आदमी का पीछा करने के अलावा कोई काम नहीं है? वो बहुत पहले की बात है, आजकल क्या हो रहा है, आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो कहीं ज्यादा जरूरी है, और लोगों को सच बताइए। इसीलिए तो हम यहाँ हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरी वीडियो लेना बंद करो मूर्ख। सॉरी, लेकिन आप अभी यहाँ रहती हैं? मुझे लगता है बस अब हो गया, अब और अंदर नहीं जाया जा सकता। वो इंसान जो हमें इसके बारे में सबसे ज्यादा बता सकता था, वो चला गया। वो भी एक ऐसा इंसान जो इन सब में कहीं दोषी नहीं है जितना हमें पता है, लेकिन जो इसके बारे में बहुत कुछ बता सकता था। और उस औरत ने तो हमें उल्टा डांटना शुरू कर दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारे पास उस आदमी का पीछा करने के अलावा कोई काम नहीं है? उसने ऐसा कुछ कहा कि हम लोग मानते हैं कि बीती बातों को अतीत में ही छोड़ देना चाहिए, और अभी हम लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। हम इसे अलग तरह से देखते हैं। हाँ, हम देखते हैं, हम अतीत के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा। उनके इरादे साफ थे। वाग्नर के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता है, लेकिन कई लोगों को श्लोमो के बारे में बात करने में मजा आता है, हालांकि उन्हें ढूंढना भी बहुत आसान नहीं है। हमने एक महिला के बारे में सुना है जिसके साथ श्लोमो अपने आखिरी दिनों में था, लेकिन उसका बहुत आम सा नाम है और उसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन फिर वो हमें मिल जाती है, फ्रांसिस्का। हमने उन्हें कॉल किया और वो हमें बुला लेती हैं। फ्रांसिस्का की मुलाकात श्लोमो से 1974 में गोएनिया में हुई थी। वो बताती हैं कि उसे अंधेरे से डर लगता था, वो लाइट जलाकर सोता था। वो एक आदमी था जो अब भी अपनी यादों से परेशान था। उसे शास्त्रीय संगीत पसंद था, इससे उसे एक तरह का सुकून मिलता था। लेकिन उसे रियो की चीजें भी पसंद आईं, जैसे सांबा वगैरह, लेकिन सिर्फ सबसे बढ़िया वाला। शुभकामनाएं। फ्रांसिस्का बताती हैं कि श्लोमो अक्सर जर्मनी जाता रहता था। वो नाजियों के खिलाफ गवाही देने के लिए गुनहगारों के देश गया। हालांकि वो जितनी बार भी वहाँ गया, ये उसके लिए मुश्किल अनुभव रहा। इसने उससे बहुत कुछ छीन लिया। No.
मेरा नाम फ्रांसिस्का अल्वेस डे ओलिवेरा है। मुझे श्लोमो से प्यार हो गया और उसे मुझसे। हम 15 सालों तक साथ रहे। वो हमेशा कहता था, अच्छा हुआ कि जब मैं ब्राजील आया ही था तब तुम नहीं मिली। मैं घोड़े की तरह हमेशा अपने आसपास की चीजों को लात मारता रहता था और वो हमेशा मुझसे कहा करता कि मैं सिर्फ सुकून चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे कभी वो सुकून मिला। मुझे लगता है कि उसने सिर्फ लड़ाइयाँ देखी थीं। उसके अंदर एक बवंडर था। कुछ चीजें उसे दुख पहुँचा रही थीं। मैं इसे महसूस कर सकती थी। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरा दूसरा रूप नहीं देखना चाहोगी? क्या तुम उस दूसरे स्तानिस्लाव से नहीं मिलना चाहोगी? वो दूसरा स्तानिस्लाव कैसा था? उसके पास हथियार थे, शायद पहले .22 कैलिबर और फिर बाद में .38, लेकिन सिर्फ अपने बचाव के लिए। वो हथियार लेकर नहीं घूमता था। साओ पाउलो में वाग्नर की पहचान करने के बाद वो बहुत परेशान सा हो गया और वहाँ नाजियों के समूह भी थे। उसे जान से मारने की धमकी मिली। साओ पाउलो में बैठक करने वाले नाजी गुटों से जो आदमी अपराधियों के बारे में इतना कुछ जानता था, उसे एक बार फिर नाजी धमकी दे रहे थे। फ्रांसिस्का ने हमें बताया कि श्लोमो को बेचैनी और परेशानी महसूस होने लगी थी। और फिर वाग्नर की मौत हो गई। उस समय इस पर बहुत चर्चा थी। गुस्ताव वाग्नर को किसने मारा, उसे किसने मारा, किसने नहीं, बहुत सारी बातें और अटकलें थी। जिस दिन आचीबाया में वाग्नर मारा गया, तानिस्लाव यहाँ गोयास में मेरे साथ था। वो कहीं नहीं गया था, इसलिए ये हो ही नहीं सकता कि वो कातिल हो। समझे? वो नहीं था। क्या इसका मतलब ये हुआ कि श्लोमो हमेशा बदले की भावना से भरा नहीं रहता था, जैसा कि कई लोग मानते थे या फिर मानना चाहते थे? गुस्ताव वाग्नर की मौत। आचीबाया के इसी कब्रिस्तान में वाग्नर को दफनाया गया था। उसकी मौत के ठीक एक दिन बाद अंतिम संस्कार किया गया। हमने सटीक जगह का भी पता लगा लिया। अखबार में एक छोटा सा लेख आया और उसमें केवल इतना कहा गया कि उसका अंतिम संस्कार बहुत छोटे स्तर पर हुआ। जैसा कि उसमें लिखा था, उसमें केवल 2 रहस्यमयी विदेशी शामिल हुए थे, लेकिन उनका कोई परिचय या नाम नहीं है। वो ये दोनों पुरुष थे जो थोड़े थोड़े जर्मन लगते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कौन है। यहाँ कब्र पर कोई पत्थर नहीं है, कोई नाम या उकेरा हुआ भी कुछ नहीं है। उसके अंतिम संस्कार में मुट्ठी भर लोग ही शामिल हुए। वाग्नर को यहां करीब 3 सालों तक ही दफनाकर रखा गया था। किसी ने उसकी कब्र का खर्च नहीं उठाया, इसलिए उसे कब्र से खोदकर निकाल लिया गया। मृत लोगों के अवशेष रखने वाली एक जगह पर उसके अवशेष रखे गए और बाद में एक गुमनाम कब्र में दफना दिया गया।
वाग्नर को देखने वाला आखिरी आदमी भी शायद इसी इलाके में कहीं रहता है। हमने पुलिस फाइल में उसका नाम पढ़ा, आर्जेमिरो डे गोदोए। वो खेतों में काम करने वाला एक मजदूर है जो वाग्नर के साथ काम करता था। पुलिस को दिया उसका बयान सिर्फ एक पेज लंबा है। हमने काफी दिनों तक उसकी तलाश की। हमने आर्जेमिरो या कहें कि मीरो को एक बार के फेसबुक पेज पर ढूंढ निकाला जहां वो गिटार बजाता था। ये आचिबाया के आसपास की पहाड़ियों में कहीं है और वाग्नर की मौत की पुलिस जांच के अनुसार वो आखिरी व्यक्ति था जिसने वाग्नर को मरने से पहले देखा था। शायद उसी ने पुलिस को खबर की होगी या उन्हें घर तक लेकर आया होगा। बाएं मुड़ जाओ, पुल पार करो। हाँ, ओके। अब फिर से बाएं और बाएं। आर्जेमिरो डे गोदोए यहीं रहते हैं। पहले तो उन्हें हम पर और हमारे वहां आने पर शक हुआ। वो हमसे बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर उन्होंने उस दिन के बारे में बताना शुरू किया। आइए, अंदर आइए। ये हमारे सफर की आखिरी मंजिल है। क्या एक यहूदी ने वाग्नर से बदला लिया? आर्जेमिरो डे गोदोए वाग्नर के अंतिम समय में उसके साथ थे। वो जानते हैं कि दरअसल हुआ क्या था और वाग्नर की मानसिक स्थिति क्या थी। उन्होंने हमें बताया कि उस दिन वाग्नर को लग रहा था कि वो खतरे में है। मेरी बीवी ने मुझे बुलाया, मीरो जल्दी करो, यहाँ आओ, गुस्ताव का ख्याल रखो, ध्यान रखना कि वो तुम्हें ना मार डाले। उसके पास एक चाकू है और वो सभी दरवाजे बंद कर रहा है। गुस्ताव गुस्से में था और अजीब हरकत कर रहा था। उसकी आंखें नीली थीं और उसने चाकू पकड़ रखा था, लेकिन वो उसे चला नहीं रहा था, बस उसे पकड़े हुए था जैसे वो कुछ कर बैठेगा। और उसने मुझे चाकू दिखाया जैसे नाच रहा हो, हाथ में चाकू, बदन पे कोई कमीज नहीं। और आप जानते हैं उसने मुझसे क्या कहा? राइफल लो, कारतूस लो, जाओ यहूदियों का सामना करो, वो आ रहे हैं। फिर उसने मुझसे कहा, जाओ और यहूदी का सामना करो, उसे गोली मार दो। क्या वहाँ कोई और भी था? नहीं, केवल वही था। क्या आपको पक्का यकीन है कि आपसे पहले वहाँ कोई नहीं था, कोई उसके पीछे पड़ा हो? नहीं, वहाँ ऊपर कोई नहीं था, वहाँ अंदर कोई नहीं था। और फिर मैंने बाथरूम में एक आवाज सुनी, बूम, गुस्ताव मर चुका था, छुरा घुपा हुआ था, उसने खुद को मार डाला था। आपने उसे उस हालत में देखा था? मैंने उसे चाकू के घाव के साथ वहाँ पड़ा हुआ देखा था। तो कह सकते हैं कि वाग्नर की मौत बदले की कार्रवाई से नहीं हुई थी, बल्कि उसके मन में बदले को आतुर यहूदियों का डर था, जिस वजह से उसने मौत चुनी। ১৯৮৯ में श्लोमो श्माइजनर की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उसके नाम वाली कब्र आज भी मौजूद है। उसके अंतिम संस्कार में बहुत से लोग आए। अब मुझे उसकी याद आती है, हमारा स्तानिस्लाव। श्लोमो ने बदला नहीं लिया था जैसा कि उसे जानने वाले बहुत से लोग मानते थे। मैं उसे इन शब्दों में याद करता हूँ, एक सर्वाइवर, एक चहेता आदमी और एक योद्धा। श्लोमो सोबिबोर से भी बच निकला और वाग्नर की यादों से भी। मैं जितने भी सर्वाइवरों से मिला, उनके लिए एक ही चीज चाहता था जो मैं उन्हें नहीं दे सकता था, वो है शांति। स्त
स्टानिस्लाव श्माइज़नर या श्लोमो को कभी सुकून नहीं मिला, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि वाग्नर को भी सुकून ना मिले। मैंने उसके लिए यही कामना की, उस कमाल के असाधारण आदमी के लिए। मैं चाहती थी कि वो एक सामान्य और बोरिंग जिंदगी जिए, और मुझे यकीन है कि वो उसमें खुश रहता। Not sure.